वेलकम बैक टू माई चैनल एंड इन अनदर ब्लॉग। सो जो ये क्या बोलते हैं, मैं अपने ब्लॉग की जो शुरुआत कर रही हूँ ये दूसरे कमरे से कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो सारा कमरा है वो पेंटिंग हो रहा है। हाँ, पेंटिंग हो रहा है, ठीक है। तो अभी उसको तो ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम एक महीना तो लगेगा ही, ठीक है। और जो जहाँ पे मैं शूट करती थी वो उसका जो कमरा है वो दिखाने लायक नहीं है। तो व्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसे ही करते हैं हम लोग कि यहाँ से पहले मेरा आज डांस है, ठीक है। तो पहले हम लोग पहले इंद्रपुरी फार्म जाएंगे। तब तक ये फ़ोन नहीं पड़ेगा, ये फ़ोन आएगा मेरे पास 3-4 बजे, जिसमें मेरा व्लॉग शूट होगा, क्योंकि ये आईफोन है, आईफोन किसी और का है तो उसको भी ज़रूरत होती है। तो फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे रिजॉर्ट में। रिजॉर्ट कौन सा रिजॉर्ट? वही रिजॉर्ट जिसमें हम लोगों ने बैचलर्स किया था। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी मस्ती करेंगे, वो आप सब लोगों को दिखाई देगा। कृपया अगर आप लोगों को हमारे साथ एंजॉय करना है तो आप ही व्लॉग में पूरे बने रहिएगा। गाइस, मैंने लुक भी क्रिएट कर चुका है और यहाँ पे जो तीज का है वो भी प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। सो अभी देखते हैं हमारा डांस जो है 17 नंबर पे, आप देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ से ऋषिकेश भी जाना है। सो अभी देखते हैं। और ये लोकेशन है इंद्रपुरी जो फार्म है, वो पुल के जो नीचे वाला है वाले उसमें है। और यहाँ पे फूड स्टॉल वगैरह भी लग रखे हैं। अभी बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, अब मैं तो शायद ही क्या बोलते वो करूँगी, लेकिन मेरा डांस का वीडियो जो है वो अलग ही आएगा। और इन तीनों मुझे सपोर्ट करने के लिए आ रखे हैं। तो गाइस, क्या बोलते हैं, जो मेरे दोस्त जो सपोर्ट करने के लिए आ रखे थे, उन लोगों को भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने थोड़ी सी सेल रोटी खाई, मोमोज वगैरह खाए। तब तक फंक्शन बस स्टार्ट हो ही गया था, तो थोड़ा सा मतलब डांस हुआ था। फिर उसके बाद मैंने भी, मेरा 17 नंबर में था लेकिन हमने 5-6 नंबर में करा के हम लोग भाग गए थे, क्योंकि हम लोगों को बहुत। और मोमोज और सेल रोटी भी इतनी टेस्टी हो रही थी, नेपाली का फंक्शन और ये दो चीज़ें नहीं हो, ये हो नहीं सकता, और बहुत टेस्टी हो रहा था। खाई लो क्या माश मल तो सोच रहे थे माइल आराम ले खाई ले स्नैप मनी नो नो तो मैंने जान के रहा खाई रहा भागने वाला था ही ना ये भाई अम्मा तो बड़ा मीठा कम यार हां मैंने
हेलो गाइस, हम लोग पहुंच चुके थे बहुत पहले ही, तो हम लोगों ने क्या बोलते व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि हम लोग आते ही साथ हम लोगों ने खाना खाया, जो मेरा डांस का वीडियो था। स्नैक्स खाया था और जो हम लोगों का डांस का वीडियो है वो बाद में आएगा, मैं अलग से डालूंगी। और हमारा डांस इतना अच्छा गया, इतनी हूटिंग हुई थी हमारे लिए, बस वो ना मुझे लगा था कि मैं वो डांस भूल जाऊंगी, लेकिन हम लोगों का डांस इतना अच्छा गया। सो हम लोग आए हैं रिजॉर्ट में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ड्रेस चेंज कर रहे हैं और क्या हम लोग प्री बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपनी कजन का, तो उन्होंने हम लोगों को इनवाइट कर रखा। सो जो ये ड्रेस है, ये ड्रेस इज ऑल्सो गिफ्टेड बाय हर, उन्होंने ही गिफ्ट कराया मुझको और मेरी बहन को, छोटी वाली बहन को, उन्होंने ही गिफ्ट किया। मैंने सोचा था गिफ्ट क्या करूँ, मैं इतनी बिजी चल रही थी, मुझको कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला और मेरा डांस का भी प्रिपरेशन वगैरह था तो इतना टाइम नहीं रहा, तो देखते हैं कि लास्ट टाइम क्या होता है। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो क्या बोलते उसमें ना वो हो जाता है यार, कॉपीराइट दिखा दे। अबे ये तो हमरो पास ना लाता होता जा, जो जो ना कहीं ना कहीं हाँ कर रहा है पहले तो ब्लॉग बनी है, इन्हें तो कुछ तो वीडियो बनाए थे, नंबर भी बनाए थे, नो काटे दिन के बाद में। तो गाइस ये है, चलो भाई पीछे इसका शॉट भी चला दिया। चलो भाई जर 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 शॉट भी रेडी है और शॉट चलो भाई। ये अबे फिल्टर कैसे है नंदी तो खुल नहीं रहा है, अभी वो तो जल्ले दो, रुक जाना, हटना, हटा दो ये सब। अरे अरे ने पहले खोल दी, ये गाइस सब लोग डर के छुप के इधर आ गए। ये बर्थडे गर्ल की मम्मी है। हमारा केक फर्स्ट शॉट तो अच्छा नहीं था, अभी हम लोग सेकंड वाला वो कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं कि ये वाला शॉट्स कैसा निकलता है। जूस स्पून नहीं मिला तो मैं तेरा क्या बच्चे ना चाकू से खा रही हूँ। आज हमने मेकअप किया थोड़ा सा आईलाइनर, ये मंचूरियन है, टेस्टी टेस्टी, और ये बहुत टेस्टी होता है, बाइट ले रहा दिखाना, बहुत टेस्टी था नहीं गाइस, यहाँ का बहुत टेस्ट ज़्यादा टेस्टी होता है। इन दोनों को देखो रील बना रहे, रील ही बना रहे। नहीं नहीं नहीं, इन लोगों को अंशिका की याद नहीं आ रही, अंशिका लोगों ने हेल दी भाई, अंशिका देख ले भाई। गाइस उधर से आवाज आ रही है, पता नहीं कौन हमको कुकिया दे रहा है, और यहाँ पे डेल्टा पीजी भी आए हैं अपनी मम्मी के संग, क्यूट क्यूट डेल्टा पीजी। गाइस हम ये दुकान के यहाँ साइड में वो कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पटाखे फूटे जा रहे हैं, हमने शॉर्ट्स लगा चुके हैं। छाती लगी
गाइस बहुत ज्यादा ठंडा है। मैंने क्या बोला था, ठंडा है आज का पानी, ठंडा है। न्यू डे सेम व्लॉग। सो हम लोग उठ चुके हैं और जैसे आप देख सकते हो सुबह का व्यू, हम लोग ये वाले कमरे में रुक रखे हैं। ये वाला कमरा भी हमारा है और ऊपर वाला भी हमारा है। तो अब हम लोग यहाँ से नहाएंगे धोएंगे, फिर यहाँ से मुझे अपने जॉब में जाना है, फिर उधर से क्या बोलते हैं देखते हैं कि कितने बजे मैं अपने घर में फ्री होती हूँ। हम लोग 4 बजे सोए थे और जो सब कुछ जो चीज़ है वो मैं एंडिंग में आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सभी देखते हैं क्या चीज़ होता है। तो गाइस हम लोग आए हैं अभिनंदन वेडिंग पॉइंट में, जो रायपुर में पड़ता है। फिर यहाँ पे डेकोरेशन है और मैं डायरेक्ट वहाँ से यहाँ पर आई थी और हम लोग 4 बजे सोए थे और 10 बजे हम लोग फिर उठ गए थे। अभी यहाँ पे हम लोग डेकोरेशन करेंगे, अभी एक बंदा नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे हम दो ही स्टाफ है जो हम लोग काम करेंगे। मैम भी बाद में आएगी, कोई तो आए। तो गाइस ये वो जगह है जहाँ पे हम लोगों को डेकोरेशन करनी है। गाइस मैम भी पहुँच चुकी थी और फिर हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया। हमने थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया और फिर हम लोगों को 4-5 घंटे लगे ये जो लुक है उसको क्रिएट करने के लिए। और आज की थीम थी राधा कृष्ण थीम। ये जो कस्टमर है उन लोगों ने ही हमको रिकमेंड की थी कि हमें ये वाला जो है ये थीम में पार्टी करानी है और इतना सुंदर लग रहा था। तो गाइस अनदर डे सेम व्लॉग। सो मैं व्लॉग की एंडिंग करना भूल गई थी क्योंकि मैं कल रात देर से आई थी तो मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी, बहुत थकी हुई। और जो हमारा डांस रहा वो इतना कूल रहा, इतना कूल रहा। वो डांस का व्लॉग जो है मैं अलग से डालूंगी। वो तीज का प्रोग्राम था और इतना मस्त गया था, सब लोगों को इतना पसंद आया था। फिर उसके बाद हम लोग ऋषिकेश गए थे, जैसे ही डांस कंप्लीट हुआ फिर उसके बाद हम लोग भागे ऋषिकेश के लिए, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे पार्टी करने के लिए जाना था। तो फिर अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।